अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से आज के दिन का आगाज़ करते हैं जी। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आज के डिज़ाइन की तरफ। ये देखिए, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था, ये हमने इसके कॉर्नर्स बना लिए थे, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे। इसको हम शुरू करेंगे लाइट वाले धागे के साथ। ये देखिए, ये वाला धागा हम यूज करेंगे। ये है इसका टोटल हमारा जो इसमें कलर्स यूज होने हैं। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और शुरू करते हैं इसके साथ। तो आपको पता ही हम कैसे शुरू करते हैं। ये देखिए, ऐसे करेंगे। ये जो हमारा पहला होल है, इसके इससे पहला बुनाई से पहले वाला, इसका इसके साथ हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो व्यूवर्स, हम शुरू कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर से। वाइट हमने यूज़ किया था, वही वाइट हमने यहाँ किया, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थ्री चेन्स, वन टू थ्री, थ्री डबल स्टोक, थ्री डबल क्रोशे, टू। जो मैंने आपको बताया था कि जो थ्री चेन्स होते हैं उसको भी हम डबल क्रोशे से ही कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम वन चेन कर रहे थे, अब हम टू चेन्स करेंगे, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए वन थ्री डबल क्रोशे ऑल्सो, वन टू और ये थ्री। इसके बाद हम करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो इसका एज है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, तो हम यहां से लेंगे इस धागे को। इस धागे को हम इसके अंदर ही मर्ज कर लेंगे। वन टू एंड थ्री, एंड टू चेन्स, अगेन थ्री, वन टू एंड थ्री डबल क्रोशे, टोटल सिक्स डबल क्रोशे। ये देखिए कितना खूबसूरत एज बनने जा रहा है, आपको पता चल रहा है ना जी। तो व्यूअर्स, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हमने कॉर्नर पे आना है या जब भी हमने स्टार्ट लेना है, ये भी एक कॉर्नर ही बन रहा था, इसलिए हमने टू सिंगल क्रोशे किया। अब यहाँ से हम कॉर्नर बना रहे हैं, तो यहाँ भी हम टू सिंगल क्रोशे करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वन सिंगल क्रोशे एंड एंटर इन टू द होल एंड थ्री डबल क्रोशे, टू एंड थ्री। अरे 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 अरे, बाल आ गया। अरे भैया, जी ये हो गया। अब हम सिंगल चेन करेंगे। सिंगल चेन करते हुए हम फिर कॉर्नर की जानिब बढ़ेंगे, तो थ्री डबल क्रोशे, टू एंड थ्री और वन और टू चेन्स, अगेन थ्री डबल क्रोशे, सिंगल चेन और थ्री डबल क्रोशे। ये देखिए, वन टू थ्री एंड वन चेन एंड कॉर्नर, वन टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे एंड, जैसे हमने यहां किया था इसी तरह हम कॉर्नर बनाने जा रहे हैं। तो टू सिंगल चेन्स करेंगे,
टू चेन्स और थ्री डबल क्रोशे, अब हम एक चेन करेंगे और ये जो नेक्स्ट होल है उसके अंदर एंटर करेंगे, वन टू एंड थ्री, तो यहां भी हम दो सिंगल चेन करेंगे और थ्री डबल क्रोशे करेंगे। ये चीजें बहुत समझने वाली हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इससे रिलेटेड आप जो मेरा व्लॉग है उसको देख लीजिए, प्रीवियस व्लॉग जो है उसको देख लीजिए। ये देखिए कितना हसीन बनने जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको बनाइएगा। ये आपका टेबल कवर भी बन सकता है, ये आपका ब्लैंकेट, मैं तो खैर ब्लैंकेट बना रही हूँ, तो आप भी देखिएगा कि आपने क्या बनाना है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नई जद्दोजहद के साथ, नए खूबसूरत दिन के साथ। ईद भी आने वाली है, बट हम अपना पैशन नहीं छोड़ेंगे, ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे रात को बैठ के करूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम।